hello everyone so again we are meeting with the new chapter molecular basis of inheritance and in this chapter the very first thing that we have to study or we should know is the structure of dna okay so let us start with the structure of dna we know that we have studied this thing earlier also in our previous video also that the cell it is having a nucleus and the nucleus it is showing the presence of chromosome, isn't it? And now on this chromosome, you will find presence of DNA. Okay, DNAs are the part of chromosome or they are present on the chromosome. So this structure we have to study in this video. We'll learn all these things in the next slide. Okay dna it means deoxyribose nucleic acid dna is actually a nucleic acid which is present in the nucleus all right dna is present in the nucleus and it is a nucleic acid and these dna like particular all the dna's all same kind of dna's are present in every cell of our body but the thing is that that dna should be activate for the particular type of protein and that protein will then like uh, it will inherit a kind of a trait in us all right so ek particular cell ka sirf ek hi tarah ka dna jab active hota hai then wo protein बनाएगा और एक particular trait आएगा मतलब हमारे body के cells में सारे के सारे जो भी डीएनए है वो हर सेल में प्रेजेंट है एक ही तरह के डीएनए जो है वो हर सेल में प्रेजेंट है बट द द क्वेश्चन ऑफ द एक्टिवेशन ऑफ पर्टिकुलर डीएनए हर सेल में हर डीएनए एक्टिव नहीं रहेगा कोई एक पर्टिकुलर टाइप का डीएनए एक्टिव रहेगा जो एक पर्टिकुलर ट्रेट आपको प्रोवाइड करेगा सो नाउ as i said, dna is a nucleic acid and the full form of dna is a deoxyribose nucleic acid. this dna, it is actually a polymer. all right. and this polymer is made up of many monomers. see here, this is just an example. the small, small unit that you can see over here of green color are the monomers, a single unit, jo hai, नेकलैस like a, a मोतियों का नेकलेस जिसमें हर एक मोती अगर आप अलग अलग रखते हैं तो दट इज अंड्रेड दे मोनोमर जब आप पास पास इनको अरेन्ज करते हैं इट बिकम्स अ सॉरी इट बिकम्स अ पॉलीमर ओके सो दिसन ए इज ऑल्सो इट हैज स्मॉल स्मॉल यूनिट मोनोमर्स आर देयर एंड दीज मोनोमर्स टूगेदर वी आर कॉलिंग दम एज अ पॉलीमर ओके नाउ दिस डीएनए दिस डीएनए इज मेड अप ऑफ थ्री थिंग्स एक्चुअली बट आई एम शोइंग यू दियर टू थिंग्स ओनली नाइट्रोजनज बेस एंड पेंटोज शुगर सो जो डी एन ए है वो नाइट्रोजन बेसिस से और पेंटोज शुगर से बना हुआ है राइट एंड वेन दीज टू आर कलेक्टिवली प्रजेंट टूगेदर जब दोनों साथ होते हैं नाइट्रोजन बेस और पेंटोशुगर देन इट इज नोन एज न्यूक्लियोसाइड ओके इन दोनों को साथ में कहते हैं न्यूक्लियोसाइड एंड नाउ अलोंग विद्यूक्सा न्यूक्लियोसाइड वन मोर थिंग इज प्रेजेंट वन मोर यूनिट इज प्रेजेंट विच इज नोन एज फोस्पेट ग्रुप ओके दिस इज नोन एज फोस्पेट ग्रुप सो न्यूक्लियोसाइड विथ फोस्पेट ग्रुप जब प्रेजेंट रहेगा तो इट विलियोटाइड और ये न्यूक्लियोटाइड क्या है मोनोमर है एक न्यूक्लियोटाइड मतलब एक मोनोमर है ओके सी नाइट्रोजन बेस पेंटोसुगर और फॉस्पेट ग्रुप तीनों को एक साथ जब हम मिलाते हैं तो क्या बनता है न्यूक्लियोटाइड बट अगर इसमें से सिर्फ हम नाइट्रोजनस बेस और शुगर को देखें तो वो ये दोनों मिला के बनेगा न्यूक्लियोसाइड इस न्यूक्लियोसाइड में हम फॉस्पेड ग्रुप को जोड़ देंगे तो बन जाएगा न्यूक्लियोटाइड ओके सो दिस मोनोमर इज नथिंग बट इट इज अ न्यूक्लियोटाइड और ऐसे कई सारे न्यूक्लियोटाइड हम जोड़ देते हैं देन इट बिकम्स अ पॉलीमर विच इज नोन एज पॉली न्यूक्लियोटाइड ओके सो डीएनए की जो चेन है दैट इज नथिंग बट अ पोलियो न्यूक्लियोटाइड विच इज मेडअप ऑफ मेनी न्यूक्लियोटाइड्स क्लियर सी दिस इज दक्चर ऑफ अ यूनिट और अलियोटाइड ऑफ दिस पॉलियो न्यूक्लियोटाइड डीएनए चेन ठीक है दिस इज अक्लियोटाइड दिस पर्टिकुलर थिंग विच इज मेडअप ऑफ नाइट्रोजनस बेस

न्यूक्लियोटाइड ओकेर ऑल्सो प्रॉपर स्ट्रक्चर के साथ दिस इज दाइट्रोजनस बेस अटैच टू देंटो शुगर एंड दिस टू थिंग्स टूगेदर आर द न्यूक्लियोसाइड इस न्यूक्लियोसाइड के साथ जब ये फॉस्पेट ग्रुप आ जाएगा देन इट इज नोन एज न्यूक्लियोटाइड ठीक है ओके this much we have seen in the earlier slide also deoxyribose nucleic acid it is made up of polynucleotide polynucleotide which is forming a chain and this polynucleotide it is the arrangement of many nucleotide and this nucleotide it is uh, made of nitrogenous base with pentose sugar and फोस्फेट ग्रुप ये तीनों जब साथ रहेंगे तो इट विल मेक अ न्यूक्लियोटाइड और कई सारे न्यूक्लियोटाइड को हम एक साथ रख देंगे तो इट विल बिकम पॉली न्यूक्लियोटाइड नाउ दिस नाइट्रोजनस बेस अब इन एक एक को देखते हैं नाइट्रोजनस बेस इट इज ऑफ टू टाइप वन इज प्यूरिन बेसिस दो तरह के नाइट्रोजनस uh, बेसिस आपको देखने को मिलेंगे डिपेंडिंग अपॉन दी रिंग्स ठीक है कार्बन नाइट्रोजनस बेसिस जो होते हैं वो कार्बन रिंग्स uh, से बने होते हैं ठीक है तो दो कार्बन रिंग्स है तो वो क्या है प्यूरिन बेस उस स्ट्रक्चर में इफ द स्ट्रक्चर ऑफ एन हाइड्रोजनस बेस इज पजेसिंग और इट इज हैविंग टू कार्बन रिंग्स देन इट विल बी अ प्यूरिन बेस ओके अगर एक ही बेस है तो इट विल बी अ पिरिमिडीन राइट इट विल बी अ पिरिमिडीन सो नाउ दिस प्यूरिन बेस इट इज ऑफ टू टाइप दो तरह के प्यूरिन बेसिस रहेंगे वन विल बी द एडेनिन एंड अदर विल बी द ग्वानिन ओके हियर यू कैन सी दिस इज द फर्स्ट रिंग ऑफ कार्बन दिस इज सेकेंड रिंग ऑफ कार्बन सो टू रिंग्स ऑफ कार्बन आर प्रेजेंट ओके टू कार्बन रिंग्स आर प्रेजेंट हियर ऑल्सो इन ग्वानिन ऑल्सो टू कार्बन रिंग्स आर प्रेजेंट हेंस इट इज अ अन बेस एडेनिन एंड ग्वानिन

थाइमिन का भी अमाउंट होगा जितना ग्वानी का अमाउंट होगा उतना ही अबाउटो न्यूक्लिक एसिड देन इट इज मेड अप ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस ये हमने यहाँ पे देख लिया कि नाइट्रोजनस बेसिस टू टाइप्स के होते हैं वन इज प्यूरिन बेसिस अदर इज पिरीमिडिन बेसिस तो इनमें से ये इनमें से एक वक्त पे या तो ये प्रेजेंट प्रेजेंट रहेंगे रहेंगे या रहेंगे। अब इस फाइव कार्बन रिंग ओके दिस इज द फर्स्ट कार्बन यहाँ पे पहला कार्बन आएगा यहाँ दूसरा कार्बन आएगा तीसरा कार्बन ये चौथा कार्बन और यहाँ पे आ गया आपका पांचवा का

सो नाइट्रोजनस बेसिस पेंटोशुगर एंड फोस्फेट ग्रुप टूगेदर दे आर मेकिंग न्यूक्लियोटाइड एज दिस इज अलियोटाइड ओके ये दोनों मिला के न्यूक्लियोसाइड और ये जब जुड़ जाते हैं न्यूक्लियोटाइड नाव लेट एस कम टू द फॉर्मेशन ऑफ डीएनए नाव सो सिंगल स्ट्रफी थाउजेंड ऑफ न्यूक्लियोटाइड दियर यू कैन सी ये जो एक आपको दिख रहा है इतना दिस इज वन न्यूक्लियोटाइड देन यहाँ पे ये जब ऊपर आप जाते हैं ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड है ये तीसरा न्यूक्लियोटाइड है और ये चौथा न्यूक्लियोटाइड है तो इस तरह से सेवरल न्यूक्लियोटाइड्स आर अरेन्ज्ड वन अबव द अदर फॉर्मिंग अ डी एन ए चेन एक साइड जो है डी एन ए का दैट इज फॉर्मड बाई अरेंजमेंट ऑफ द न्यूक्लियोटाइड्स वन अबव द अदर द फॉस्पेट ग्रुप ऑफ द लोअर न्यूक्लियोटाइड अटैच विद द फिफ्थ कार्बन ये लोअर न्यूक्लियोटाइड है इसका फिफ्थ कार्बन से फॉस्पेट ग्रुप अटैच है ठीक है और दूसरे न्यूक्लियोटाइड के साथ थर्ड वाले कार्बन पे अटैच है ओके अगर हम इस नीचे वाले सबसे लोअर न्यूक्लियोटाइड की बात करें तो इसमें फॉस्पेट ग्रुप जो है वो किसके साथ अटैच है फिफ्थ कार्बन के साथ ठीक है यहाँ पे ये फिफ्थ कार्बन है दिस इज फर्स्ट कार्बन सेकेंड कार्बन थर्ड कार्बन फोर्थ एंड दिस वन इज फिफ्थ कार्बन तो फॉस्पेट किसके साथ अटैच है फिफ्थ वाले कार्बन के साथ ठीक है बट इसी फॉस्पेट ग्रुप को यू विल सी जो नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड है इसके ऊपर का जो न्यूक्लियोटाइड है उसके किस कार्बन के साथ अटैच है थर्ड कार्बन के साथ ठीक है यहाँ पे भी देन अगर नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड की बात करें तो यहाँ ये फिफ्थ के साथ यहाँ थर्ड के साथ यहाँ फिफ्थ के साथ यहाँ थर्ड के साथ लाइक वाइज विल बी देर ओके एंड अकॉर्डिंगली जैसे यू विल सी जो सबसे लोअर न्यूक्लियोटाइड है उसका ये थर्ड कार्बन का जो आ, थर्ड कार्बन का हाइड्रोक्साइड ग्रुप जो है वो फ्री है दिस वन इज द फ्री एंड ऑफ दिस न्यूक्लियोटाइड तो ये हमेशा फ्री रहेगा ओके okay. थर्ड कार्बन पे ये फ्री है इसलिए हम क्या कहेंगे इसे दिस विल बी दी थ्री डैश एंड दिस इज थ्री डैश एंड जब किसी भी डीएनए चेन का पोलिन्यूक्लिटाइड चेन का थर्ड कार्बन का पार्ट जब फ्री रहेगा दैट विल बी सॉरी थ्री डैश एंड एंड यहाँ सबसे ऊपर वाला जब हम देखेंगे तो ये फिफ्थ कार्बन है इसका फ्री है ये किसी और न्यूक्लियोटाइड के साथ अटैच नहीं है देन देन दिस विल बी दी फिफ्थ डैश एंड फाइव डैश एंड हियर यू कैन सी यहां से यहाँ तक का जो है ये दिस इज फाइव डैश एंड दिस इज थ्री डैश एंड सो दिस चेन इज मूविंग फ्रॉम फाइव डैश एंड टू द थ्री डैश एंड ओके हियर ऑल्सो यू कैन सी ये एक पार्ट है चेन का ठीक है

ठीक है दैट मीन्स अगर ये फिफ्थ डैश एंड है तो यहाँ पे ये फिफ्थ डैश एंड रहेगा ये थर्ड डैश एंड है तो इस वाली चेन का ये थर्ड डैश एंड रहेगा मतलब ये लाइक थ्री से फाइव तक चल रही है तो ये फाइव से थ्री तक चलेगी ठीक है अ अंगल पॉलीन्यूक्टाइड स्ट्रैंड ऑफ अ डीएनए इज नॉट स्ट्रेट बट इट इज हेलिकल इन शेप दिस इज हाउ इट इज ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है दिस इज डबल हेलिक स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए ठीक है इसमें देखिये ये ब्लू कलर से एक चेन एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रेड जा रहा है और ये ब्राउन कलर से दूसरा स्टैंड जा रहा है जो एक दूसरे में ट्विस्ट हो चुके हैं ठीक है सो इट इज अ डबल हेलिकल स्ट्रक्चर द डीएनए मॉलिक्यूलिस्ट ऑफ टू सच हेलिकलियोटाइड चेन विच आर कॉम्पलीमेंट्री टूच अदर कॉम्पलीमेंट्री टूच अदर

दिस स्ट्रक्चर इज दुगर इसके साथ क्या अटैच है यहाँ पेट ग्रुप अटैच है और इधर ये जो आपको स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं जो थ्री डैश से फाइव डैश तक जा रहा है यहाँ पे भी ये शुगर है इससे फॉस्पेट ग्रुप जुड़ा हुआ है एंड हेयर यू विल फाइंड नाइट्रोजिनस बेसिस ओके एंड ये जो आई हैोल्ड यू

प्यूरिन जो है एक स्पेसिफिक पेरीमिडिन के साथ ही बॉन्ड बनाएगा ठीक है हियर यू कैन सी ये ब्लू कलर में एडेनिन है ये एडेनिन है इसका पेयरिंग किसके साथ हो रहा है इसका बॉन्ड किसके साथ बन रहा है येलो कलर के थैमिन के साथ कलर्स आर जस्ट टू एक्सप्लेन यू द थिंग्स सो येलो कलर का यहाँ पे एडेनिन का बॉन्ड किसके साथ बना थाइमिन का ये क्या है ये साइटोसिन है साइटोसिन का बॉन्ड किसके साथ बन रहा है ग्वानीन का तो ये स्पेसिफिक रहेगा हमेशा एडेनिन थायमिन के साथ बॉन्ड बनाएगा और साइटोसिन ग्वानिन के साथ ही बॉन्ड बनाएगा ओके एडेनिन ऑलवेज पेयर विथ थायमिन एंड ग्वानीन विथ साइटोसिन दैट मींस अ पिरािडीन विथ अ प्योरिन ये ये प्यूरन है ये पेरीमिडीन है ये पिरीमिडिन है ये प्यूरन है ठीक है थीके? और ये ऑल्टरनेट होता रहेगा ठीक है मतलब यहाँ पे एडेनिन दिख रहा है देन यहाँ पे थर्ड वाले पे अगेन यू विल फाइंड कंसिस्ट ऑफ टू हाइड्रोजन बॉन्ड एडेनिन आर हैविंग दे आर अटैच टूगेदर बाय टू हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पे ये यह पहला बॉन्ड है हाइड्रोजन बॉन्ड ये दूसरा हाइड्रोजन बॉन्ड है ओके बट गॉन एंड साइटोसिन विल हैव थ्री हाइड्रोजन बॉन्ड थ्री वीक हाइड्रोजन बॉन्ड ठीक है यहाँ पे भी सी दिस इज थीन एन एडेनिन विड्रोजन बॉन्ड ग्वानीन साइटोसिन विथ थ्री हाइड्रोजन बॉन्ड ओके सो दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए इन द प्रीवियस स्लाइड ऑल्सो हियर ऑल्सो यू कैन सी साइटोसिन विद्वानीन विथ थ्री हाइड्रोजन बॉन्ड एडेनिन विथ थाइमीन विथ टू हाइड्रोजन बॉन्ड अगेन ग्वानिन विथ साइटोसिन अगेन लाइक दिस इट विल ऑलचनेट विथ ईच अदर